गुड इवनिंग एंड वेलकम आप सब लोग को फॉर द सेकेंड सेशन। हम लोग का जो है नंबर सिस्टम का हम लोग कर रहे थे। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। ओके सो जिसको भी कभी भी अगर कुछ बीच में डाउट हो या अगर आपको इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सपोज मैं लैंग्वेज में अगर आपको जो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है उसमें ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार साउथ के लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है और सपोज किसी को इंग्लिश समझने में दिक्कत आ रही है तो आई विल कन्वे यू इन दैट लैंग्वेज। सो अब यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड अगर आपको डाउट है वो भी रोक के कर सकते हैं हम लोग आगे। तो एनी वे हमने फर्स्ट सेशन किया था उसमें क्या था इंट्रोडक्टरी सेशन था हमारा एंड उस इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने नंबर सिस्टम का हल्का सा टच किया था। ठीक है आप लोग मेरा स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे? कैन यू सी माई स्क्रीन? जी सर, यस सर, ओके यस सो सर। हाँ ओके एंड वही है कि बाकी समय में यू कैन स्विच ऑफ योर ऑडियो ये तो जैसा आप लोगों ने कर रखा है सो दैट वी डोंट गेट टू डिस्टर्ब ईच अदर। और अब आगे हम लोग अपना सेशन में बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नंबर सिस्टम। तो हमने ये पहले देखा था एसएससी सीजीएल का ब्रेकअप उसके बाद में फिर हमने नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात किया था एंड दिस वर द टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक वाज ऑन कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स इसमें हमने नंबर्स पढ़ा। सो व्हाट आई टोल्ड एवरीबॉडी दैट फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर द टेबल्स। तो ये टेबल्स हमें स्कूल में सेकंड क्लास से ही शुरू हो जाता है एंड वी हैव टू रिमेंबर इट तब कैलकुलेशन फास्ट होता है। ये स्क्वायर्स है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स क्यूब्स एटलीस्ट अप टू 15 30 तक याद हो जाए बहुत अच्छा है और 30 तक स्क्वायर्स। ठीक है फिर ये बेसिक जो फॉर्मूला था ये भी हमने बात किया था एंड इसको हम लोग यूज भी करेंगे क्वेश्चंस आता है तो। बॉन्ड मास रूल यस क्वेश्चन करने के बाद हमें और क्लैरिटी मिलते जाता है। फिर ये डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था कि इसको हम लोगों को देखना है उस दिन हमने डिटेल में इस पे बात किया था इसलिए आज मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में दे विल एक्सप्लॉइट इट। इसको क्या होता है कि अल्टरनेट को हम ऐड करते हैं और यहाँ पे अल्टरनेट को भी ऐड कर लेते हैं इनका जो फिर टोटल करके देखिए 1 1 + 8 + 3 = 12 एंड ये 0 + 1 = 1 माइनस किया 11 आ गया या मल्टीनी मल्टीपल ऑफ 11 या 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये डिविजिबिलिटी रूल का हो गया। देन हम लोगों ने एकदम ब्रीफ वे में नंबर सिस्टम को टोटली पढ़ा था। स्टार्टेड हम लोग वी स्टार्टेड आवर लर्निंग विथ द नेचुरल नंबर्स। जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर बन गया माइनस नंबर्स ऐड कर दिए जीरो टू इस साइड भी इंफिनिटी इस साइड भी इंफिनिटी इंटीजर्स हो गए। रैशनल नंबर उनसे भी बड़ा आप एक चीज देख सकते हो कि दिस आर मतलब अगर ये सेट है तो ये उससे बड़ा सेट है ये उससे बड़ा है रैशनल नंबर इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है पी बाई क्यू। अब ये कैसे फोर इज हाउ इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज फोर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर बाई P हो जाएगा 4 एंड Q हो जाएगा 1। तो ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट स्कूल में हमने पढ़ा है। उसके ऊपर क्या होता है देन देर आर इरेशनल नंबर मतलब उसके ऊपर नहीं दैट इज ए डिफरेंट वेराइटी ऑफ नंबर। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ नंबर क्या होता है उनका डेफिनेशन यही है कि रैशनल नंबर तक आप इन सबको यू कैन राइट इट इन पी बाई क्यू फॉर्म इवन जो मैं जैसे हमने डिस्कस किया होल नंबर्स आर ऑल्सो इन पी बाई क्यू फॉर्म। इरेशनल नंबर √2 √3 इसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम कभी नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि इसका एक टर्म्स याद करना आप लोग स्कूल का नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपको डेसिमल्स में मैं फिर से बताऊंगा जैसे 1/3 इसको अगर आप करोगे तो ये आपको 0.333 करके ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या हो रहा है इट इज नॉट टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है बट इट इज रिपीटिंग। और ये इरेशनल नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर इज नॉन रिपीटिंग ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। तो ये नंबर सिस्टम का बेसिक्स जो मैं आप लोग के साथ ये किया था। अब हम लोग का जो ये है आवर मोडस ऑपरेंडी विल बी टू सॉल्व टू नो द कंसेप्ट फ्रॉम क्वेश्चन बिकॉज क्या है और मैं आप लोग को यही एडवाइस करता हूँ कि नाउ यू ऑल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम गुड बुक्स और फ्रॉम आवर वेबसाइट। आप लोग को जो अगर सपोज अभी नहीं ज्वाइन किए होंगे तो उनको मैं क्यों बोलता हूँ वेबसाइट का जैसे वेबसाइट में फायदा क्या होता है यू गेट ऑल द टाइम्ड क्वेश्चन। तो टाइम्ड क्वेश्चन में यू विल ऑलवेज बी बेनिफिटेड बाय सीइंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन लेस ड्यूरेशन। ये देखिए जैसे 30 मिनट्स का टाइम रहेगा और उस 30 मिनट्स में आई विल बी सीइंग एटलीस्ट मेरा ये डैशबोर्ड है वेबसाइट का
तो उसपे मैं जाके 30 मिनट्स में आई विल बी सीइंग 25 क्वेश्चन। और वैसे अगर मैं 25 क्वेश्चन देखने लगूं तो मेरा टाइम काफी वेस्ट हो जाता है। तो और इवन इफ यू आर सॉल्विंग फ्रॉम बुक्स कंसेप्ट के लिए, फर्स्ट में बुक से भी नंबर सिस्टम के, ये मतलब जो बुक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लाइक आर एस अग्रवाल है, फिर इस अरिहंत पब्लिकेशंस के बुक हैं, क्वालिटी बुक्स, इवन किरण पब्लिकेशन का भी आप सीजीएल वाला ले सकते हो, बट उसमें क्वेश्चंस में आपको कई बार मिस्टेक्स मिलेगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दैट टाइम। क्वेश्चन में मतलब आंसर में मिस्टेक मिल जाएगा, तो एनीवे आप उसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी ये, बट ऑलवेज सॉल्व टाइम्ड। टाइम्ड करने से क्या होगा, यू विल सी इफेक्टिवली, अगर आप विदाउट टाइम्ड कर रहे हो तो यू विल सी 25 क्वेश्चन के लिए यू मे टेक 1 आवर, ओके, बट टाइम्ड करोगे तो 25 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम जो हम लोग बढ़ा के भी दे रहे हैं तो 30 मिनट्स ही दे रहे हैं, सो यू कैन सी 30 मिनट्स। एनीवे इनफ ऑफ ये, बट नाउ वी विल गो डायरेक्टली टू दिस क्वेश्चन। एक इसको कोई सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हाउ कैन बी गेट इट, एनीबडी वांट्स टू सॉल्व दिस। ओके ठीक है, चलो मैं करता टू हूं। हाँ या प्लीज गो अहेड। आ गया क्या आंसर? सर टू अच्छा यू आर सेइंग द आंसर, ओके, मैं अभी तक सॉल्व नहीं किया हूं, लेट मी सी, या 8 4 32, सो हम लोग 2 यहां रख दिए हैं, देन 7, एंड ओके 7 2 14, 4 4 × 3 इज एग्जैक्टली गुड, यस वेरी गुड। किसने आंसर दिया, कैन आई नो योर नेम इफ यू डोंट माइंड? आंचल ओके आंचल, दैट्स ए वेरी गुड अटेम्प्ट। एंड इसी तरह से हमें सोचना है, क्योंकि हम लोग क्या होता है ये वाला क्वेश्चंस में, वी विल सी ऑल द नंबर एंड वी गेट कि नहीं ये बहुत बड़ा आने वाला है, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ओनली द यूनिट डिजिट, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेके वी हैव टू सॉल्व। सो यूनिट डिजिट सबका ले लो, 7 × 3, तो 8 4 अगर आप इधर से करो इधर से करो मल्टीप्लीकेशन में, देर इज नो प्रॉब्लम, तो 8 4 32, अगेन यू टेक द यूनिट डिजिट, देन 7 एंड 3, देन 7 2 इज 14, सो 4 एंड 3, सो लास्टली यू गेट इट 2, ओके। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक मैंने बीच में क्वेश्चन भी आप लोग को जूम ग्रुप में डाला था, वो भी क्वेश्चन में क्या था, देखो आप लोग देखोगे तो जनरली दैट वाज रिलेटेड टू ये मतलब नंबर सिस्टम क्या इस पे था, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, वेयर बाय एक नंबर जो होता है वो मैं बताऊंगा अगर उस तरह का क्वेश्चन आता है तो, नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट क्यू प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना, तो इसी को यूज करेगा, और कंपटीशन में यू हैव टू सेव ऑल द 5 सेकेंड्स, मतलब अगर 5 सेकंड भी आपने बचा लिया तो आपने अच्छा काम किया। तो एनीवे ये वाला तरह का वैरायटी का नंबर सिस्टम का, सॉरी नंबर निकालने का क्वेश्चन मैं जूम ग्रुप में डाला था, आप लोग देखना उसको, तो हाउ वी कैन सेव टाइम इन दैट। और ये वाला तो आप लोग सबको अभी समझ में आ गया होगा, इफ एनीबडी हैज ए डाउट ही कैन आस्क, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इज दिस वन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, अगेन ये यूनिट डिजिट का ही है, क्योंकि यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हो, 7 to the power of 105, एनीबडी वांट्स टू अटेम्प्ट इट? देखो आई एम गिविंग यू ए हिंट, किसी भी नंबर का ना तुमको सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो, चलो एक चीज होता है, 1 × 100 टाइम्स 200 टाइम्स विल गिव यू ए 1, सिमिलरली और एक कोई नंबर ऐसा है विच विल मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स, कितना बार भी आप उसको मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर देता है, एनी आइडिया? ये देखो 6 को यूनिट डिजिट जीरो। या 0 ऑल्सो इज ए दैट टाइप ऑफ नंबर, बट 0 के आपको ना जनरली 0 के स्क्वायर में ही मिलेगा, मतलब जैसे 10 का स्क्वायर करो 10 का क्यूब करो तो यू विल गेट 0 इन द यूनिट डिजिट, तो मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 है तो उसको कितने बार भी, मतलब आप 31 का अगर सपोज हम स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, या उसको हम 4 टाइम्स निकालते हैं, तो भी उसका यूनिट डिजिट विल बी 1 ओनली, तो 1 इज योर फ्रेंड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिमिलरली 36 का क्या होगा, अगर यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं, तो 6 × 6 × 6 4 टाइम्स करो 5 टाइम्स करो, इट विल गिव यू ए 6 इन द यूनिट डिजिट,
ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए, सेवन आए, तो आइदर यू ट्राई टू गेट ए वन इन द यूनिट डिजिट, और अगर सपोज कुछ इवन नंबर आता है जैसे 22 टू द पावर ऑफ 105, तो ट्राई टू गेट ए सिक्स इन द यूनिट डिजिट। अभी हम लोग का चूंकि ये ऑड नंबर है सेवन, तो इसका हम लोग यूनिट डिजिट में वन कब आता है वो देखो। तो वन कब आता है यूनिट डिजिट में, देखो, सेवन टू द पावर ऑफ वन सेवन, सेवन टू द पावर ऑफ टू इज 49, नाइन इन यूनिट डिजिट, सेवन टू द पावर ऑफ थ्री इज, किसी को याद है सेवन टू द पावर ऑफ थ्री? 343। ठीक है, हम लोग अभी ये दोनों डिजिट छोड़ दे रहे हैं, वी आर सीइंग ओनली द यूनिट डिजिट, सेवन टू द पावर ऑफ फोर, इससे जहां सेवन मल्टीप्लाई होगा तो इन यूनिट डिजिट यू विल गेट ए वन, तो सेवन का फोर्थ पावर में यू गेट ए वन। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये इजियर हो गया। तो ये कैसे इजी हो गया, क्योंकि इफ यू रिमेंबर पावर में सेवन टू द पावर ऑफ फोर टू द पावर ऑफ 26, ये कितना हुआ, 26 इंटू फोर आप करके देखोगे, 4 6 24, 428, 104, अभी भी ये 104 है, 105 नहीं हुआ, तो ये क्या है, सेवन टू द पावर ऑफ वन, मतलब सेवन से अगर मल्टीप्लाई करोगे इस चीज को तो यू विल गेट ए 7105 को, इस तरह से मैंने लिख दिया, कुछ गलत किया है क्या? आई एम श्योर नो आई सर, एम, हाँ गलती नहीं हुआ, बट ये इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि सेवन टू द पावर ऑफ फोर का यूनिट डिजिट इज वन, तो ये ब्रैकेट के अंदर वन टू द पावर ऑफ 26, कितने बार भी वन को मल्टीप्लाई करो यू विल गेट ए वन, सो ये वाला आपको यूनिट डिजिट में वन दे रहा है, सो वन इंटू सेवन मतलब सेवन विल बी द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो सेवन टू द पावर ऑफ 105 का वन हम लोग ने यूनिट डिजिट में निकाला कि वी विल गेट ए सेवन। ओके, ये थोड़ा आप लोग को अभी क्लियर नहीं भी हो सकता है, तो इफ यू ट्राई स्टार्ट ट्राइंग दिस क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ दो चीज देखना, आइदर यू गेट ए वन इन द यूनिट डिजिट या यू गेट ए सिक्स इन द यूनिट डिजिट, बिकॉज सिक्स और वन का कितने बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम वन और सिक्स इन द यूनिट डिजिट। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? नो सर, ओके, वी कैन गो अहेड देन, और अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना, इफ यू गेट ए डाउट स्क्रीनशॉट लेके डाल देना ग्रुप में, फिर उसको सॉल्व करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 11 का मैंने बोला था, मैंने बहुत सिंपल रख दिया है, तो ये देखो, ये दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया, तो 3 + 1 = 4, अगेन यहाँ पे क्या आया, हाँ सॉरी, वन एक मिनट, 1 3 3 1, ठीक है, ये दोनों को ऐड करना और ये दोनों को ऐड करना है, तो ये 1 + 3 = 4, अगेन 3 + 1 = 4, तो 4 - 4 = 0 हो गया, और इसका मतलब ये है इज डिविजिबल बाई 11, ये मैंने बहुत ये कर लिया, 1 7 2 8 3 5, ये अगर नंबर है हमें इसको टेस्ट करना है कि ये हो रहा है कि नहीं, तो एक बार देखते, मैंने रैंडम नंबर लिया है एक ये, और उसके बाद इधर से हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग, 7 + 8 = 15 + 5 = 20, ठीक है, उसके बाद वी आर गेटिंग ए 3 + 2 = 5 + 1 = 6, सो यहाँ पे 6 आया, माइनस किया तो 14, नो, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये वाला चीज को मैं अगर आप कंपटीशन में कुछ एक नंबर को हटा के उसके जगह पे एक्स डाल दूंगा, ये भी रहेगा क्वेश्चंस में, सो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा टू गेट इट, इफ इट इज डिविजिबल आपको दे देगा, मान लो करके क्वेश्चन देगा 1 7 x y, या एक्स मान लो एक आपको अननोन दे देगा 1 7 x 3 4 5, बोलेगा दिस इज डिविजिबल बाय 11, सो व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, कैन यू गेट इट? आपको वही करना है, 5 + 3 = 8, ये बंद कर ले, कहाँ नेटवर्क एट बंद से प्लस लगा लिया, टू से कहाँ नेटवर्क आता है, नेटवर्क बंद कर अभी देता किसी का ऑडियो ऑन हो गया है, यू कैन स्विच ऑफ योर ऑडियो एंड वी कैन गो। ओके, ना। सो इन दिस ऑल्सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो वाला मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया। अब ये देखो कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, ये कंपेयरिंग जो है 4 by 5 एंड किसके बीच में हमें कंपेयर करना है 7 by 9, तो इसको हम लोग स्कूल में कैसे सॉल्व करते थे, दैट वाज ए डिफरेंट प्रोसेस, और अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो हमारा डिफरेंट प्रोसेस थोड़ा होता है। स्कूल में हम लोग सॉल्व करते थे, आपको इसको सेम करना होता था, दैट इज डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 4 by 5, 9 ऊपर और 9 नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, 9 4 = 36, 9 5 = 45, ठीक है,
सेवन बाई नाइन में क्या करते थे, इसको भी 36 बनाना होता था डिनोमिनेटर को, वी हैव टू मेक इट सॉरी 45, तो 5 एंड 5 मल्टीप्लाई करते थे, सो वी विल गेट ए 35 बाई 45. नाउ यू कैन श्योरली सी कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली दिस वन इज बिगर. कौन सा बिगर हो जाता था, ये वाला बिगर हो जाता था. अब आपको ये इतना करने का जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस कर दो. ठीक है, तो क्रॉस किया तो क्या आया, 36 यहां पे आया, 7 5 35, जिसका बड़ा आया दैट इज बिगर. ठीक है, क्योंकि वर्चुअली यही काम हो रहा है, हम लोग एलसीएम निकाल के हम लोग उसका डिनोमिनेटर को, वी आर इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, बट यू हैव टू जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, विच इज बिगर दैट विल सेव योर एक्स्ट्रा टाइम. मतलब आपका जो 4 5 सेकेंड वाइटल टाइम होगा दैट विल बी सेव्ड इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. एंड इस तरह का क्वेश्चन और करोगे तो इसमें जो कंपटीशन में आएगा दैट विल नॉट बी ऑफ टू नंबर्स, दैट इज टू फ्रैक्शंस. वो क्या करेगा, 4 बाई 5, 7 बाई 9, 3 बाई 7 एंड और एक नंबर दे देगा, मान लो 2 बाई 7. 2 बाई 7 तो ये दोनों आप कंपेयर कर ही सकते हो, 2 बाई 5 कर देगा मान लो. सो इनको कंपेयर करने के लिए आप क्या करना, पहले दो को कर लिए, फिर इसके साथ में जो आया रिजल्ट, फिर इसको करके ये भी कर सकते हो, और नहीं इफ यू आर हैविंग टाइम तो एक एलसीएम फटाफट निकाल के सबका डिनोमिनेटर इक्वेट कर दो एंड देन यू गेट द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा. एनीवे विद प्रैक्टिस यू कैन बिकम फास्टर एंड एक्यूरेट, बट इसमें एक्यूरेसी जरूर ध्यान रखना, नहीं तो क्या होता है इजी क्वेश्चन होता है एंड वी लूज द एक्यूरेसी. फिर ये भी एक सिंपल सा, ये एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन होना चाहिए. इफ यू कैन सी दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, बट ये क्वांट में भी इस तरह से आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है. अब आप देखो, इसके लिए एक बार आपको ध्यान में रखना होगा, एनी नंबर विथ वन स्क्वायर विल गिव यू यूनिट डिजिट 1, 2 का क्या होगा 4, 3 का यू विल गेट 9, 5 का यू गेट 5, 6 का यू गेट ए 6, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट डिजिट, मैं 4 नहीं लिख रहा हूँ. 8 का 64, सो 4, 9 का इट इज 181, यूनिट डिजिट का बात कर रहा हूँ, 10 का इट इज 0. सो यू सी कौन सा मिसिंग है, 1 है, 4 है, 9 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है. व्हाट इज मिसिंग इज, देखो 1 तो हो जा रहा है, 5 भी मिल जा रहा है इन यूनिट डिजिट, 6 भी मिल जा रहा है, बट यू कैन नेवर हैव ए 2. ये 2 देखो कहीं भी नहीं है, सो कोई भी नंबर का स्क्वायर 2 से एंड नहीं करेगा. सो दिस टाइप ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी एक्चुअली कॉमन सेंस बेस्ड, और हमें इसको कर लेना है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इजी. एनीवे ये बोडमास रूल का बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने उठाया है, जो आपको मिलेगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये इसको मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूं कि वी जस्ट नोट गॉट टू नो व्हाट इज द रूल्स. सो बोडमास, सो फर्स्ट इज ब्रैकेट. ओके, तो ये 14 को भूल जाते हैं, वी जस्ट डू दिस ब्रैकेट. ब्रैकेट में भी क्या होगा, ऑर्डर होगा, 8 - 2 नहीं पहले करेंगे, वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन दिस वन. सो वी गेट ए 6, 14 प्लस 8 - 6 इज 2, नाउ वी कैन डू इट एज 16. ओके, और इसको अगर हमने ऑर्डर बदल दिया, वी हैव सीन दैट द आंसर विल बी रॉन्ग एंड डिफरेंट. तो ये आपको बेसिक याद रखना है, बट यू विल गेट ए टफर वैरायटी वैरायटी इन क्वेश्चन बाय सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग, यू विल बी इन अ पोजीशन, बिकॉज दीज आर श्योर शॉट मार्क्स, और ये श्योर शॉट मार्क्स को छोड़ना नहीं है, एक्यूरेट करना है, मिस्टेक नहीं करना. और ये श्योर शॉट मार्क्स में अगर आपने ये रूल नहीं फॉलो किया, यू आर गोइंग टू गेट ए नेगेटिव मार्क एज वेल. द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:4. इफ 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, रेशियो बिकम्स 13:8. व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? तो ये क्या है, देखो हम लोग को मैथ्स का पढ़ने का क्या होता है, वी गेट ए वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम है. ओके, इससे हमें बनाना आना चाहिए इक्वेशन. ठीक है, और दूसरा वेराइटी क्या है, देखो आपके सामने में आंसर ऑलरेडी है, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर. मान लो अगर कोई आंसर से बनाना चाहता है, द रेशियो ऑफ टू नंबर से 7:4, तो आंसर से अगर करना चाहता है तो स्मॉलर नंबर को बोल रहा है 40, तो 70 और 40 हो जाएगा. ठीक है, फिर आप पूरा बाकी सेट करके देखो, सेट हो रहा है तो दैट इज द नंबर आंसर. अदरवाइज आपको एक्स एंड वाई से पहले सॉल्व करना आना चाहिए. तो एक्स एंड वाई से कैसे हम कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:4, सो वी टेक इट एज 7x एंड 4x. इफ 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो बोथ द नंबर्स को 8 ऐड कर दो, 4x + 8. ये इक्वेशन बनाना आपको आ जाना चाहिए, यार अपने स्कूल में भी बनाया है,
तो यू कैन नो दिस, इट बिकम्स 13/8. अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 56x + 64, 13 + 52x + 13 × 8. डोंट मल्टीप्लाई इट हियर. ओके, अब इसको अगर मैं माइनस करके लिखता हूं, ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट आई एम गेटिंग ए कॉल. So, solving this equation, what we get, 56 minus 52, you get 4x, and this becomes 13 × 8, and sorry, यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 64 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 8 × 8. मैंने देखो अभी इसको भी 8 × 8 बना दिया 64 को. So finally, what I am getting is 4x equation क्या आया, 8 × 13 − 8, ब्रैकेट में ले लिया तो 5. तो 4x = 40. ओके, तो 4x अगर 40 हो गया तो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, वही पूछ रहा है आपको, 4x ही पूछ रहा है आपको. 4x लिया था हमने ये, तो दिस इज द, तो इस तरह में क्वेश्चन में क्या है, दिस इज अ इजियर क्वेश्चन. आपको स्टेटमेंट से यू नीड टू मेक द व्हाट यू से वी हैव टू गेट एन इक्वेशन, और इक्वेशन में इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि मैं यहाँ 13 × 8 भी कर सकता था, बट व्हाई आई हैव लेफ्ट इट सो दैट माय कैलकुलेशन बिकम्स ए मेंटल कैलकुलेशन और इजियर हो जाता है. तो जो भी समय आप बचा सकते हो, व्हाट एवर टाइम यू सेव इज दैट इज एज गुड एज गेटिंग. ये देखो आप इस वाले क्वेश्चन में आपको अगर मेमोरी आप रखोगे तो भी बहुत बढ़िया, आपके लिए टाइम सेव होगा. व्हाट इज द लार्जेस्ट 2-डिजिट प्राइम नंबर, किसी को याद है कौन सा लार्जेस्ट 2-डिजिट प्राइम नंबर, इज इट 99? एनी आंसर? प्राइम नंबर याद आ रहा है? देखो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, इट हैज गॉट टू फैक्टर्स, दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर का. सपोज आप 7 को लेते हो तो इसके फैक्टर्स क्या है, एक तो 1 है और एक 7, मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. और अगर सपोज आप 8 के लेते हो तो 1 है, 8 है, 2 है, 4 है, तो दिस इज नॉट ए प्राइम, नॉट प्राइम, दिस वन इज श्योरली ए प्राइम. सो सिमिलरली आप देखोगे प्राइम नंबर्स के ऊपर में भी कंपटीशन में बहुत सारा आता है. तो 99 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका 11 भी है, 9 भी है, बट यू सी 97 व्हिच हैपेंस टू बी द बिगेस्ट प्राइम नंबर. क्यों, क्योंकि 98 भी नहीं है, 98 इज ए इवन नंबर, सो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा. अब इस चीज में देखो कंपटीशन के लिए क्या क्या आता है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दैट कितने प्राइम नंबर्स आर लेस देन 100 या 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, एनीबॉडी रिमेंबर्स इट? ये सब आपको मेमोरी से याद हो जाएगा. तो यू हैव टू मेमोराइज देर आर 25 प्राइम नंबर्स. ओके, और अगर 1 to 1000 मेरे को जहां तक याद आ रहा है, आई रिमेम्बर इट स्टिल नाउ बिकॉज उस समय मेमोरी किया था, आई थिंक इट इज 168. आप लोग इसको चेक करना, तो 1 to 1000 के बीच में 168 है, 1 to 100 आई एम वेरी श्योर 25 है. तो इस तरह का क्वेश्चन क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तो यू विल बी बेनिफिटेड इन द सेंस ऑफ डूइंग इट वेरी फास्ट, डायरेक्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे. एंड SSC आई टेल यू टेस्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्राइम नंबर वाला बहुत ऑफन टेस्ट करता है. ठीक है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. ए नंबर व्हेन डिवाइड्स डिवाइडेड बाय 627 लीव्स ए रिमाइंडर 43. ओके, वेरी गुड. बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 19 द रिमाइंडर विल बी ओके. ये वही क्वेश्चन है. पहले आपको क्या है, नंबर जो आपने लिखा, नंबर इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जिसको हमने डिवाइड किया 627 से. सो दिस कैन बी रिटन एज 627 मल्टीप्लाइड नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय लीव से रिमाइंडर. ओके, 627 इनटू क्यू, अभी हमें क्यू नहीं पता है, ठीक है, एंड रिमाइंडर आता है 43 का. ओके, तो ये है नंबर. अब बोल रहा है कि अगर 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम लोग को चेक करना क्या, देखो इसको क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछा है, क्या 627 इज डिविजिबल, अगर आप हम लोग इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पार्ट डिवाइड होगा, तो 627 डिवाइडेड बाय 19 करके देख लेते हैं. ठीक है, 19 3s are 57, फाइन, माइनस किया तो अगेन 5, सॉरी, एंड ये 7 आ गया, तो 19 3s are 57, मतलब ये पार्ट आपको कोई रिमाइंडर नहीं देने वाला है. ठीक है,
आपको नंबर निकालने की जरूरत भी नहीं है, बट अब आपको रिमाइंडर कौन सा पार्ट देगा, रिमाइंडर विल यू विल गेट व्हेन यू डिवाइड 43 बाय 19. सो व्हाट यू गेट, 19 टू जा 38, 38 और प्लस 5, मतलब 5 विल बी द रिमाइंडर. सो 5 इज योर आंसर. किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें? नो सर. ओके, सो देखो इसमें हमने नंबर नहीं फाइंड आउट किया, बट वी गॉट टू नो दैट दिस पार्ट, दैट बिगर पार्ट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 90, और जो रिमाइंडर आएगा वो 43 से आएगा. तो हमारा काम बन गया इससे. ठीक है, अब इसके बाद में वी गो अहेड एंड वी डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस तरह से हमें करना है. वो भी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो इसी, सॉरी, इस वाले पे ही बेस्ड था. नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. और आप इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको उसका ट्रिक ढूंढना है कि हमें किस तरह से फास्टर मिलेगा. Then a teacher wants to arrange his students in equal number of rows and columns. Equal number of rows मतलब ये हो गया, columns ये हो गया. ठीक है, if there are 1369 students, the number of students in the row are. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, तो टोटल क्या होगा, x square बराबर कितना हो जाएगा, it will be 1369. So what is x? X is equal to root over this. अब आप देखो, अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं भी है तो भी मैं आप लोग के लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूं. देखो, एक होता है 15 का स्क्वायर, क्या होता है 225. 25 का स्क्वायर क्या होता है 625. 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225. 45 का स्क्वायर क्या होगा 2025. मेरे को नहीं याद है बट आई एम यूजिंग ए सिंपल ट्रिक, बताता हूं आप लोग को. 55 का क्या है 3025. ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा हेल्प है. कैसे होता है, देखो क्या करते हैं, जब हम लोग मान लो 55 का स्क्वायर निकालना है तो हमें सिर्फ पहले 25 तो लिख ही दो, उसके बाद जो यूनिट डिजिट है ना उसको मल्टीप्लाइड बाय, अगर ये n है तो उसको एक बढ़ा दो, 5 × 6 = 3025. सो आप देखोगे कि दिस इज 55 स्क्वायर इज 6 3025. सिमिलरली 65 स्क्वायर तो क्या होगा, पहले आप 25 तो लिख दो, अब 6 × 7, 7 6 42, 4 2 2 5. तो अब आपको देखो सिंपलर इस 1369 केस में ये क्यों यूजफुल है, मैं आपको बता रहा हूं. 35 का स्क्वायर क्या आ रहा है 1225. अब देख लो 35 का स्क्वायर इज 1225. तो 35 और उसके बाद में 47 का क्या हो जा रहा है, देखो 45 का स्क्वायर इज 2025, मतलब ये 45 स्क्वायर से नीचे है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया. क्यों? क्योंकि 35 का स्क्वायर इज 1225, ये नंबर 1369 है, उससे बड़ा है, तो आप सीधा इसको टिक करके चले जा सकते हो. मतलब अगर 37 लोग यहां खड़े करें और 37 यहां खड़े करें तो 1369 स्टूडेंट्स को अरेंज किया जा सकता है. तो ये आपको क्या था, एक्चुअली इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, बट यू गट टू नो हाउ टू सॉल्व इट फास्ट. और आपको ये वाला चीज भी मैंने बताया कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर विच आर एंडिंग विद 5. सो दिस आर वेरी मच हेल्पफुल, क्योंकि अगर आपका आपको 55 का स्क्वायर पता है तो यू कैन गेस द स्क्वायर ऑफ 55 का स्क्वायर क्या होता है 3025. 57 का स्क्वायर निकालना है, अगर आपको 57 का स्क्वायर गेस करना है तो ये 3025 से तो थोड़ा बड़ा होगा ही. मान लो इट कैन बी समवेयर अराउंड, सॉरी, इट कैन बी समवेयर अराउंड 3-2 something like that. Anyway, अभी मैं निकाल नहीं रहा हूं, बट ये 3025 से बड़ा होगा. We can get a rough idea about this. अब उसके बाद में, this question is our last for the day. उसके बाद में we will do the, हम लोग आपको फिर सॉल्व करना. The sum of two positive integers is 80 and difference between them is 20. What is the difference between the square of those numbers? Okay. पहले आप equation लिख लो. X plus Y is equal to 80. X minus Y is equal to 20. So 2X is equal to 100. So X is equal to 50. और दूसरा क्या हो गया, Y is equal to 30. ये आ गया XY को सॉल्व करने से. अब उन लोग का what is the difference between the squares? Squares क्या होगा, 50 का 2500, 30 का क्या होगा 900. So what will be the difference is 0061600. 1600 answer में है, टिक करके चले जाओ. But always यहाँ पे आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, हो सकता है कि आपको डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स 20 भी दिया रहेगा और आप 20 को मार्क कर दोगे थिंकिंग इट कि आपको डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स पूछा जा रहा है. बट इन कंपटीशन
दे मे आस्क टू स्टेट बाय डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दोज टू नंबर्स, तो यू हैव टू बी वॉचफुल क्योंकि रेस ऑफ अगेंस्ट टाइम होगा, तो आपको प्रैक्टिस से ये वाला चीज सब होगा। आप देखो ये मैं अपना वेबसाइट पे आपको अपना डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, इसमें जाके अगर आप लोग टेस्ट लोगे, अभी आप लोग के लिए मैंने नंबर सिस्टम खत्म किया है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे इज टॉपिक टेस्ट पे जाओ, फिर माइग्रेट करो सेक्शनल टेस्ट पे, फिर माइग्रेट करो टू प्रीवियस ईयर या मॉक लेंथ पे। तो आप लोग को देखो टॉपिक टेस्ट जाते ही यू विल सी कि नंबर सिस्टम का दो टेस्ट इसमें डला हुआ है। तो आई से सिंसियरली अगर आप लोग कर रहे हो तो 30 मिनट्स यू जस्ट टेक फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, सॉल्व 25 क्वेश्चंस, देखो कितना क्वेश्चंस आपको सही आपने किया, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में बहुत कम आएगा बट धीरे धीरे करके आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोग का इसमें जो दो टेस्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, दिस इज माय टॉपिक, फिल्टर डाल दिया मैंने, तो अभी वो टेस्ट जो इस पे लोड है वो आ जाएंगे। और नंबर आपको सिर्फ एक एडवांटेज मिल रहा है कि व्हेन यू आर डूइंग दिस टाइम्ड बेस्ड क्वेश्चन, ये देखो तो ये होल नंबर का देखो आपको टेस्ट 30 मिनट्स का मैंने हम लोगों ने सेट किया, टेस्ट टू एंड टेस्ट वन, फिर लोड हो रहा है, तो 30 मिनट्स इसलिए दिया, वैसे 20 मिनट्स ही आपको एग्जाम में मिलेगा बट वी हैव गिवन यू मोर टाइम। हाँ ये देखो दोनों टेस्ट आ गए, तो आप इसमें जाके हिंदी या इंग्लिश में किसी भी मीडियम में आप ले सकते हो एंड आप इसको टेस्ट को देना, सो दैट यू गेट टू सी मोर देन, यही सेम फीचर्स आपको एग्जाम में भी मिल जाता है। तो आपको यही देखना है कि आपको इस तरह से जो टेस्ट आप लेते हो तो आपको सो मेनी क्वेश्चंस यू आर सीइंग इट एट वन गो, एटलीस्ट आपने 25 क्वेश्चन देखा, अदरवाइज आपको 2 आवर्स में भी समटाइम्स यू विल नॉट बी सीइंग 25 क्वेश्चन एट ऑल। ये देखो टाइमर स्टार्ट हो गया, 30 मिनट्स मारा इसको, आगे बढ़े। तो ये करके दो बार आप लोग दोनों ये सब टेस्ट वन टेस्ट टू को सॉल्व कर सकते हो। नहीं अगर इससे बन रहा है कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, 4 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, ये देखो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टफर है बट सेम बोडमास रूल ही अगर आप अप्लाई करोगे यू विल बी इन ए पोजिशन टू सॉल्व इट। एनीवे अभी नंबर सिस्टम का हमारा सेशन यहाँ खत्म करते हैं, एंड अगर किसी को कुछ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट ही कैन थ्रो हिज डाउट एंड, और अगर सपोज अभी नहीं सॉल्व हो रहा आपका डाउट, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लो, बुक से लो, इस वेबसाइट का ले लो, अगर कोई भी क्वेश्चन का डाल दो, हम लोग सॉल्व कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज वी विल गो इन द नेक्स्ट सेशन। डेसिमल्स आपका डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, देन रेशियो, ऐसे करके हम लोग फटाफट क्वांट को खत्म कर लेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। इन बिटवीन रीजनिंग के भी क्लासेस मैं करवाऊंगा, आइदर मी और वन ऑफ माई फ्रेंड्स विल टेक दैट रीजनिंग क्लासेस। और आप लोग को सिर्फ मेहनत करना है 1 to 2 आवर डेली बेसिस पे, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो, बट इफ यू आर इन टू कंपिटिशन देन यू कैन गिव 3 to 4 आवर्स मिनिमम। थैंक यू फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेशन को अभी एंड कर देते हैं। किसी का कोई पॉइंट, एनीबडी हैज एनी डाउट और एनीथिंग ही वांट्स टू ऐड? आई होप दैट सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। यस सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो सर। you all can quit and start solving from number system and ask doubt as many doubts as possible. Okay, that will help you a lot. Thank you, friends. Bye. Good luck.